बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन दोनों भाइयों का जिन्होंने एक बहुत बाबरकत महफिल में मुझे सादत बख्शी, इज्जत बख्शी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी अपनी फैमिली हज पे गई हुई थी। हम हर साल अमूमन जून में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी फैमिली है, कैनेडा वगैरह हम दो तीन महीने उधर ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा अचानक प्लान बना फैमिली हज पे चले गए। मैं चुके लिए दो बार ये सादत हासिल कर चुका हूँ फैमिली के लिए। अब वो वापस हम यहाँ पे आए और उनसे भी बहुत कुछ सुना। आपको अल्लाह ने एक बहुत ही अजीम और बहुत बड़ी बल्कि अगर कहा जाए कि सबसे अजीम सादत से नवाजा, तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत ही एजाज की बात है कि आज मुझे यहाँ पे मदद किया गया और आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। तो असल चीज़ ये है कि हमारे अमूमी तौर पे ये कहा जाता है और ये बात दुरुस्त भी है कि हज जो है वो बिल्कुल एक नई ज़िंदगी होती है इंसान की। ऐसे ही होता है कि जिस तरह इंसान की नई पैदाइश हुई है, और वो आप देखिए कि वहाँ पे जो आजमाइशें आती हैं और जो सख्तियाँ आती हैं, तो उससे भी एक तासुर ये बनता है कि ये बिल्कुल एक नई इंसान को ज़िंदगी मिली है। और इंसान एक आजमाइशों के एक मुख्तसर से पीरियड से गुजर के जो है वो बाहर आया और अल्लाह पाक ने उसमें रहमत की। तो असल चीज़ ये है कि हम लोग जो दुनियावी मामलात में अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ कर लेते हैं और उसमें हम लोग बाज़ औक़ात जायज़ नाजायज़ को नहीं देखते और चीज़ों को नहीं देखते। तो मेरा ख्याल है कि हज के बाद हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुशकिस्मत लोगों को ये सादत मिलती है। यहाँ पे मैंने देखा है सारा साल लोग तरसते रहते हैं, उम्रे के लिए तरसते रहते हैं, हज के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिलता। तो आप जिनको ये मौका मिलता है उन्हें ये चाहिए कि वो अपने मामलात में हज से पहले जो चीज़ें थीं उसको जो है वो, अगर चीज़ें ऐसी थी जो कि तब्दील होने वाली थी, तो हज के बाद जो है वो एक नई और खूबसूरत होगी। अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ होता है। मैं आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक मंजूर फरमाए और आपकी जो वहाँ पे हाजिरी है उसको अल्लाह पाक कबूल फरमाए और एक खूबसूरत सेहतमंद जिंदगी कामयाबियों वाली कामरानियों वाली आपको अदा करूँ। मैं बहुत शुक्रिया।